तो दोस्तों ये है दिल्ली पानीपत एक्सप्रेस वे। सोचा है अर्ली मॉर्निंग अपडेट दे दूं आप लोगों को। मिट्टी भराई का काम चल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये अंडरग्राउंड बनेगा यहाँ पे, अंडरपास। आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ क्या चल रहा है। ये देखिए ऊपर मिट्टी का काम कर दिया गया काफी हद तक। मैंने एक बार आपको यहाँ की वीडियो और दिखाई थी, पर वो तब उस टाइम अंधेरा था तो लोगों को ज़्यादा साफ नहीं दिखा था। तो मैंने अब सोचा कि अब एक क्लियर वीडियो बनाई जाए इस जगह की, जहाँ पर दिखा सकूँ सभी को कि कितना काम हो चुका है और कितना काम पेंडिंग है। इसको ऑलमोस्ट जोड़ दिया गया है, पर अभी थोड़ी सी मिट्टी और भरनी बाकी है यहाँ पर। बाकी इसके ऊपर फ्लोरिंग का काम सारा कर दिया गया है, फ्लोरिंग पूरी हो चुकी है और आप देख सकते हैं। ड्रोन व्यू आपको दिखाने वाली दुनिया मिल जाएगी, पर इस तरीके से काम की साइट के ऊपर आके एक एक चीज दिखाने वाली शायद ही कोई हो। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट मैं कुछ चीजें क्लियर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जमीन से कितना ऊपर बना दिया गया है ये। आप देख सकते हैं जमीन से ऊपर काफी हद तक ऊपर है जमीन से, और काम इसका किया जा रहा है। अभी दूसरी तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे है, सारा ट्रैफिक दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे का है। और अभी एक एक बाउंड्री वॉल और लगा के जाके इसे बराबर किया जाएगा, और उसके बाद फिर इसे इसके साथ जोड़ा जाएगा। अभी 6 से 7 महीने का और समय लग जाएगा इसको पूरे को बढ़ने में। वो देखिए मैं आगे से और दिखाता हूँ आपको। ये फ्लाई ऐश होती है, जब कोयले का हम रॉ मटेरियल, जो कोयला रॉ मटेरियल आता है उसे हम जब यूज़ कर लेते हैं, उसकी एनर्जी को निकाल लेते हैं उसमें से, तो उसके बाद ये राख बचती है जिसे हम फ्लाई ऐश बोलते हैं। सीमेंट की प्रोडक्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देखिए ये पुरानी रोड हुआ करती थी, आपको दिखा देता हूँ। ये डिवाइडर था बीच में, ये जो दिख रहा है ये पुरानी रोड थी, जहाँ पर अब पिलर्स बना दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं कैसे वो व्हीकल्स जा रहे हैं। अभी उस सर्विस लेन को, इसके बनने के बाद उस सर्विस लेन को भी ऊपर उठाया जाएगा और इसे एक टाइप से बराबर किया जाएगा, ताकि जिन लोगों को उधर मुड़ना है वो उधर मुड़ भी सके।
वो जो आप रास्ता देख रहे हैं उसके जस्ट साइड में एक रास्ता भी है जो अंदर फैक्ट्रियों की तरफ जा रहा है। बहुत ही छोटी गली है, एक ही गाड़ी या निकल सकती है या आ सकती है। अगर दोनों आएंगी जाएंगी तो उन्हें बहुत प्रॉपर केयर तरीके से निकलना पड़ेगा वरना स्क्रैच लग सकती है। फ्लोरिंग का वर्क हो चुका बट बाउंड्री वॉल के नाम पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है। इसके अंदर सीमेंट डालनी अभी पेंडिंग है और बाकी जितना भी स्ट्रक्चर है इसका वो लॉन्च कर दिया जा चुका है। आगे की तरफ भी आपको मैं दिखा देता हूँ, वो देखिए आगे की तरफ बाउंड्री वॉल का काम बढ़िया चल रहा है पर उसे होने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। अभी फ्लाई ऐश डाल के इसको पूरा ऊपर तक भरा जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बजरी कंकड़ डाल दी जाएगी, फिर उसके बाद एसफाल्ट की 3-4 लेयरों को किया जाएगा। इस पुल ने आप मान के चलिए, ये पुल ने कम से कम ये यहाँ पर जो ये पिलर्स जो यहाँ पर ये पिलर्स थे इन पिलर्स को आप मान के चलिए आज से 1.5 साल पहले खड़ा कर दिया था, जब किसान आंदोलन था भी नहीं तब के खड़े हैं ये। बट पता नहीं क्यों क्या कारण था कि ये काम कभी आगे बढ़ ही नहीं सका। आप लेवल देख सकते हैं कि जो मिट्टी यहाँ पर भराई के लिए रखी थी उसके ऊपर घास तक उग गई है, तो काम कितना पुराना हो सकता है। आपको मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, ये देखिए इस फ्लाई ऐश तक में घास उग गई है, तो काम काफ़ी पुराना हो चुका है। बट अब इंतज़ार किया जा रहा है क्योंकि आगे की तरफ एक फ्लाई ओवर है, उसके पिलर्स अभी बनाए हैं, उस पिलर्स के ऊपर उन्हें असेंबल पूरा मतलब उनके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, सीमेंट डाल के उसे पूरा पक्का करेंगे, उसके ऊपर फिर बेस उसका बनाएंगे, उसके ऊपर फिर आगे गर्डर्स लॉन्च किए जाएंगे, फिर फ्लोरिंग का काम होगा, रैंप बनेगा, तो वो काम अभी आगे की तरफ पेंडिंग है। तो अभी जब तक उसका काम नहीं होता तब तक इस काम का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए जा रहा है, ये सारे ये ट्रक फिलहाल जिस लाइन में चल रहे हैं ये सारी फ्लाईओवर की जगह है, तो जब ये फ्लाईओवर अपनी शेप में आने लगेगा तब इन सब को सर्विस लेन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कभी ये दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे सिर्फ और सिर्फ 4 लेन का होता था, 2 लेन जाने के लिए 2 लेन आने के लिए। आप मान के चलिए पानीपत से अगर आप दिल्ली जाते थे तो होते सिर्फ 75 किलोमीटर थे, पर आपको वहाँ पर पहुँचने में 3 से 4 घंटे लग जाते थे। आज भी आप जाएंगे तो यह 75% रास्ता बना हुआ है, पर अगर आज भी आप जाएंगे तो 2.5 घंटे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि 25% का काम पेंडिंग है, उस 25% करके आपको 1-1.5 घंटा लगता है, पर जब ये पूरा बन जाएगा तब आप 1 से 2 घंटे के बीच में दिल्ली मध्य में पहुँच पाएंगे। काफ़ी रिलीफ मिलेगा, जो पानीपत की हैंडलूम इंडस्ट्री है, जो पानीपत की अचार की इंडस्ट्री है, और करनाल शहर के जो लोग हैं जो चंडीगढ़ से अप डाउन कर रहे हैं डेली, उनके लिए बहुत रिलैक्स हो जाएगा। आसपास के लोकल यूपी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी दिल्ली के साथ, क्योंकि एक यहाँ से एक्सप्रेसवे मिल जाएगा यूपी, जस्ट पानीपत को पार करते यूपी है यमुना के पास, यहाँ से इस तरफ अगर हम निकलें तो 20 किलोमीटर की दूरी को पार करने के बाद यूपी आ जाता है, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे। कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर जुड़ा नहीं हुआ वरना मैं आपको इसके ऊपर चढ़ के भी दिखा देता, बट कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है तो मैं आपको कैसे ऊपर चढ़ के पहुँचाऊँ। चलिए आपको बाकी फ्लाईओवर की अपडेट देता हूँ। बाउंड्री वॉल को देख सकते हैं,